आज मुलाकात हुई। मैंने अगले 5 साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे। और उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की 2 रातें जो थी उस वक्त, उन 2 रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन 2 दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कितने भी ऊंचे हों, किसी को कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जो जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जा सके। जब आपने प्रधानमंत्री से जिक्र किया है, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्या बीजेपी के नेताओं के बयान को हमने स्पेसिफिक चर्चा नहीं की, हमने कहा कि इसी पे चर्चा हुई कि कोई भी हो जिसने भी दंगा कराया उसको।